हेलो चवन मेडिकल्स। हाँ हेलो, मैं ब्लूमिंग नाइट होटल से बोल रहा हूँ। हाँ एक ऑर्डर लिखो। एक कॉन्डम का पैकेट, एक टिश्यू पेपर का पैकेट। हाँ फटाफट से 303 रूम ने लेके आओ। ये वो फोन कॉल था जो इसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। ये रात इसकी जिंदगी की सबसे काली रात होने वाली थी। ये है लकी उर्फ लक्ष्मण लाल अग्रवाल और ये है उसकी कहानी। कहां ये दुनियादारी की झंझट और कहां इत्मीनान से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए जाने वाले ये लम्हे। दोनों की कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इतना खुशकिस्मत है ये लड़का जो इसके साथ इसकी गर्लफ्रेंड है। एक दिन आएगा जब इसी तरह डिंपल भी लकी के पास होगी। डिंपल लकी की गर्लफ्रेंड, वो बस यही चाहती है ना कि लकी के पास एक बाइक हो। इसके लिए जनाब लकी बहुत मेहनत करते हैं, कॉलेज के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। लकी को अब भी याद है उस दिन जो हुआ था। मानना पड़ेगा तूने भी क्या सस्ता बॉयफ्रेंड चुना है। इसे तो ना बाइक में पेट्रोल डालने की चिंता होती होगी ना कार पार्किंग की। साइकिल उठा लो और चल दो। करवा ली मेरी बेइज्जती? कब तक तुम मेरी बेइज्जती करवाते रहोगे लकी? तुम मुझे लेने आए वो भी साइकिल पे। मेरी बाकी सहेलियों को देखो, उनका बॉयफ्रेंड या तो उन्हें कार पे बाइक पे लेके जाते। नाराज मत हो डिंपल, जल्दी हमारे पास भी नई बाइक होगी, देखना तुम। अच्छा कब होगी? जब कोई अपनी सेकंड हैंड बेच देगा या फिर कबाड़ में पड़ी होगी कोई। तुम ना रहने दो लकी, तुमसे ना कुछ उम्मीद करना ही बेकार। डिंपल ऐसा नहीं है, मैंने थोड़े थोड़े करके पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अच्छा जी, कब इकट्ठा होंगे तुम्हारे थोड़े थोड़े पैसे? पैसे? क्या दुनिया में सब कुछ सिर्फ पैसा ही है? कभी कभी तो लगता है कि प्यार ना हुआ व्यापार हो गया। तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी। हम लड़के कुछ भी कर जाए लगता है सब कुछ कम पड़ ही जाता है। पर खैर लकी को डिंपल के सवाल का जवाब तो देना ही था। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा डिंपल। वक्त मैं तुम्हें बता दे, तुम्हारे पास दो महीने। अगर तुमने बाइक नहीं ली ना तो जो हमारा ये रिलेशनशिप है ना वो खत्म, और मैं ना तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी, ये चीज तुम याद रख। तुम्हारे पास दो महीने नहीं, इसी महीने कटेगा तुम्हारी पगार का पैसा, समझे? सॉरी सेठ जी, वो गलती से। ये गलतियां तू अपने घर पर या कॉलेज में किया कर, यहाँ नहीं। अरे काम में मन नहीं लगता हो तो ठीक है, छोड़ दे। अभी टूथपेस्ट तूने बर्बाद कर दिया, इसका पैसा कौन भरेगा, तेरा बाप? सेठ जी गलती हो गई, माफ कर दो। ठीक है गलती ठीक कर देते हैं। ये तेरा पैसा ना तेरी पगार से कटेगा ये, हाँ वो भी डबल। डबल क्यों सेठ जी? ताकि तुझे याद रहे और आगे से ऐसी हरकत ना करे। देख तू अच्छा लड़का था इसलिए मैंने तुझे नौकरी दी, पर जिसने तुझे उंगली पकड़ाई तू उसी का कंधा काटने चला है। ओ छोटू ये रायता साफ कर जो साहब ने फैलाया है। अरे लकी भैया क्या करते रहे, तो इतनी मेहनत काहे कर रहे हो भाई, कहीं बंगला बंधवाइएगा क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस थोड़े पैसे कमाना चाहता हूँ, थोड़े बचाना चाहता हूँ ताकि एक बाइक ले सकूँ। हाँ हाँ, और उस फटफटिया पे डिंपल भाभी को घुमा सको। अरे अरे भाभी का नाम लेते ही शर्म आ रहे हो। वैसे आप तो पूरी रात यहीं हो और वो बेचारी कहीं आपका इंतजार कर रही होगी। ऊपर से मौसम भी आज ऐसा है कि पूछो मत। लो इंद्रदेव का नाम लिए और बरस गए। चलो भाई कल मिलते हैं। हेलो चवन मेडिकल्स। हाँ हेलो, मैं ब्लूमिंग नाइट होटल से बोल रहा हूँ। हाँ एक ऑर्डर लिखो। एक कॉन्डम का पैकेट, एक टिश्यू का पैकेट। हाँ फटाफट से 303 रूम में लेके आ जाओ। हाँ सर, क्या कहा आपने? अरे सुनाई कम देता है क्या तुझे, ऑर्डर लिखा नहीं तूने? नहीं
ऑर्डर लिखा, रूम नंबर क्या बताया आपने? अरे 303 लिख लिया ना? लिख लिया सर। तो पेन पकड़ के क्या बैठा वहां पे? जल्दी निकल वहां से। सर मैं आपका ऑर्डर ले आऊंगा पर अभी बारिश बहुत हो रही है, थम जाए तो लाता हूँ। अरे डूब नहीं जाएगा तू, पता है मुझे बाहर बारिश हो रही है। और हाँ वो पॉलीथिन में पैक करके लाना। पर थोड़ा रुक जाते तो। अबे ओ तू किसको मना कर रहा है पता है तुझे? मैं किसका बेटा हूँ पता है? जा अपने दुकानदार से पूछ जाके कि मल्होत्रा जी के बेटे को तू ना कर रहा है। बारिश में क्या ये काम चोरी हो रही है? कुछ नहीं सेठ जी, वो किसी मल्होत्रा जी के लड़के का कॉल था, इतनी बारिश में उसे अर्जेंट ऑर्डर चाहिए। जिसे तू मना कर रहा है वो मल्होत्रा जी का लड़का था? अबे कुछ अकल है तुझमें नहीं? मेरी दुकान बंद कराएगा तू? लेकिन सेठ जी वो है कौन? अबे जुबान मत लड़ा, जाके ऑर्डर देकर आ जल्दी कर। सेठ जी बारिश, इतनी बारिश में मैं कैसे जाऊंगा साइकिल से? अरे बारिश हो रही है, ले ये ले मेरी बाइक की चाबी ले ले। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने लकी को सेठ की बाइक तो मिली। वो सोच रहा था कि ये बाइक इसके पास कल तक रहेगी और इस पे ही डिंपल को पिक करने भी जाएगा। जरा वो भी तो देखे कि लकी बाइक कैसे चलाता है। एक बार पीछे बैठ जाएगी तो फिर शायद कहीं नहीं जाएगी। हाँ जी, मैं चमनलाल मेडिकल से। लकी ये आपका समा। डिंपल तुम यहाँ क्या कर रही हो? लकी को लगा मानो वो कोई डरावना सपना तो नहीं देख रहा। ये डिंपल इस हाल में, इस होटल में किसके साथ है? ये क्या होने वाला है लकी के साथ? तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? डिंपल बात का जवाब दो, मेरे सवाल को घुमाओ मत। अच्छा अब मैं तेरे को जवाब दूँ? मैं अपने पापा को जवाब नहीं देती और अब मैं तेरे को जवाब देने लग जाऊंगी? डिंपल मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रहा हूँ, तुम ना मेरे कॉल का जवाब दे रही हो ना मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। क्या ये सब क्या है? तुम किसके साथ हो यहाँ? तुझे क्या, मैं यहाँ किसी के साथ भी हूँ, क्या भी करूँ, कुछ भी करूँ। अरे किसी से लड़ाई कर रही हो क्या? ओ ये चिकना चेहरा कहीं देखा दिखाया नहीं लग रहा? ओ डिंपल तुमने मुझे बताया नहीं कि हमारा रोमांस देखने के लिए तुमने लाइव लकी जैसी ऑडियंस बुला रखी। राहुल तू मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा दोस्त होकर मेरी पीठ पे वार करता है, शर्म कर साले। शर्म तुझे आ रही है? बॉयफ्रेंड है मेरा, उसको छू मत। बॉयफ्रेंड? राहुल तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तू तो कहती थी सिर्फ अच्छा दोस्त है ना? तेरा मेरा ब्रेकअप। बेचारा लकी। पर लकी देख मैं तेरे बारे में कितना सोचता हूँ। अरे ये पागल तो कह रही थी कि फोन पर ही ब्रेकअप कर लेती, मैसेज पर ही ब्रेकअप कर लेती, पर मैंने कहा नहीं। अरे एक आखिरी बार तो तुम्हारा बनता है ना मिलना। सो कुछ नहीं, मैंने तुझे उस टाइम पे कॉल किया जब डिलीवरी देने सिर्फ तू आ सकती। और ये रब ने बना दी वाली जोड़ी अपनी आंखों से देख सके। सो कैसा लगा मेरा मजाक? मतलब तुम दोनों ने मुझे यार जान पूछ के। अरे वो सामान तो दे दे, अभी जरूरत पड़ने वाली है। डिंपल मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं बाइक भी लेने वाला हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा कितने तक की आती है बाइक? 80,000, 1,00,000? चल तूने अपनी हैसियत के हिसाब से 50,000 की बाइक भी ले। कितना कमाता है तू? 8,000 की सैलरी से तू खाएगा क्या, बचाएगा क्या और मुझे घुमाएगा क्या? तेरे जेब में ना पेट्रोल भरने तक के भी पैसे नहीं है और बाइक की बात कर रहे हैं। लोग ना हंसते हैं मेरे पे जब मैं तेरे साथ घूमती हूँ। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है लकी, जहाँ मेरे को जीने से पहले 2 बार सोचना पड़े। तुझे तेरी गरीबी मुबारक हो, और वैसे भी मेरी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए ना राहुल है। सही कहा बेटी, हर जरूरत। डिंपल डिंपल जो तुम कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। तुम इस राहुल की असलियत को जानती नहीं हो। सब पता है मुझे, और ये चीज ना तो भूल मत, तू जिस आलिशान कॉलेज में पढ़ रहा है ना वो राहुल के पापा का ही। और आज तो मैं अच्छा इंसान हूँ जो तू आज भी उस कॉलेज में पढ़ सकता है। पर दिमाग का क्या है ना,
कभी भी खराब हो सकता है और कब तू उस कॉलेज से बाहर हो जाएगी। और दोबारा स्कॉलरशिप के दम पे तुझे एडमिशन फिर से मिले या ना मिले मेरी जिंदगी का तो मैं देख लूंगा डिंपल, पर तुम अपने फैसले के बारे में दोबारा सोचना। अरे अपने पैसे तो लेता जा, मैं हर बार किसी का हक नहीं मारता। जवाब दो भगवान, और कितने सस्ते उस रात भगवान ने जवाब तो दिया पर एक मैसेज के रूप। ये मैसेज जो लकी के फोन पर आया था, जिस पे लिखा था परिवार की रिसर्च और परिवार के फैसले के मुताबिक लकी उर्फ लक्ष्मण लाल अग्रवाल ने गरीबी की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो जमीन और जायदाद का मालिक है जो उनके परिवार की। ये मैसेज क्या वाकई सच था या फिर किसी ने लकी के साथ कोई मजाक किया? कहीं इसके पीछे डिंपल और राहुल तो नहीं? और अगर यह सच है तो क्या गरीब लकी की कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है? हेलो लकी सर, गरीबी की परीक्षा पास करने के लिए शुभकामनाएं। अग्रवाल परिवार की तरफ से आपको एक मैसेज आया होगा। आप जमीन और जायदाद के लिए कल सुबह न्यू सिटी बैंक जरूर चले जाइएगा। थैंक यू लकी सर। तो गुरु, ये है वो गुफा जिसे खुल जा सिमसिम कहने पर लकी को मिलेगा खजाना। लकी इस उधेड़बुन में था कि पैसे मिलते ही सबसे पहले एक चमचमाती कार लेगा या फिर नए कपड़े खरीदेगा, और शायद तब उसे समझ आएगा। वैसे डिंपल की आंखें खोलने से पहले तो यहाँ लकी के साथ ही कुछ ऐसा होने वाला था जो उसे तो क्या, इस बैंक में सभी को चौंकाने वाला था। उस लड़की की खूबसूरती देख लकी खो गया। वो भूल गया कि इस लड़की को उसकी वजह से चोट लगी है। लकी भैया, पहले सॉरी तो बोल दो। गलती होगी, आप दिखाई नहीं दिए। क्यों, मैं कोई भूत हूं जो तुम्हें दिखाई नहीं दी? इतनी बड़ी लड़की तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है? नहीं, वो जल्दबाजी में मैं। क्या तुम, हां तुम्हें पता नहीं है कि लेबर्स और मजदूरों की एंट्री पीछे से है? कहां यहां से गुस्से आ रहे हो? नहीं मैम, आप गलत समझ रहे हैं। मैं कोई ड्रामा मेरे सामने मत करो। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। तुम लोगों को लगता है कि ऐसे बैंक्स के बाहर दरवाजे पे खड़े हो जाओगे तो हम जैसे अमीर लोगों से 150 रुपए तो निकलवा ही लोगे। सिर्फ लकी के हुलिये और उसके कपड़ों की वजह से इन्हें मानो लाइसेंस मिल गया है कि ये लकी की सरेआम बेइज्जती कर सके। लेकिन अभी तो एक बैंक मैनेजर का आना बाकी था, अभी तो लकी की और बेइज्जती बाकी थी। क्या हुआ मैम, सब ठीक तो है ना? मैं यासिन पटेल, यहाँ की मैनेजर। ये चोट कैसे लगी, इनसे ही पूछो। अरे ब्र, इतना भी कुछ नहीं हुआ यार, जो ऐसे मेरे पे चढ़ रहे हो गई गलती। आप एक सेकंड यहाँ पे आना, आइए प्लीज। मैम आप बैठिए, एक मिनट में आती हूँ। जी किस काम से आया है आप यहाँ पे? मैं पैसे निकलवाने आया हूँ। पैसे निकालने मतलब आपका इस बैंक में अकाउंट है? अच्छा, अकाउंट नंबर बताना अपना।
मुझे याद नहीं। मिस्टर, हम एक बैंक में खड़े हैं, यहाँ पे चैरिटी या दान देने का काम नहीं होता है। अकाउंट नंबर याद नहीं है तो आपके पास बैंक का कार्ड तो होगा, लाइए। दरअसल मेरे पास अभी कार्ड वार्ड नहीं है, पर मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि देखो तुम्हें जो समझाना है बाद में समझाना, पहले जो आपने किया है मेरे वीआईपी क्लाइंट के साथ मुझे उनसे बात करना ज्यादा जरूरी है। आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए और सुनो, यही पर ना कहीं जाना मत यहाँ से। मैम आई एम रियली सॉरी अबाउट व्हाटएवर हैपेंड विद यू। यास्मीन, गलती तुम्हारी नहीं है, पर अगर ऐसे सड़क छाप लोग तुम्हारे बैंक में घुसते रहेंगे तो तुम्हारे बैंक की इमेज का क्या होगा? जानती हूँ मैम, इसलिए मैंने उस लड़के को काफी सुनाया और अभी सिक्योरिटी से कह के उसे धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। वो नेक्स्ट टाइम इस बैंक में कभी कदम नहीं रख पाएगा। ऐसा ही हो तो बेहतर है, वरना सोशल मीडिया के जमाने में मुझे बहुत टाइम नहीं लगेगा अपना ये सैड एक्सपीरियंस दुनिया के सामने लाने में। बहुत सारे फॉलोअर्स हैं मेरे। नहीं मैम, एक और मौका दे दीजिए हमें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। बाप रे बला टली, अब उस लड़के को तो मैं देख लूंगी। कहाँ गया वो? गार्ड यहाँ ना। वो लड़का खड़ा था, कहाँ गया वो? इधर गया है। ये गधा आज मेरी नौकरी लेकर रहेगा। अरे शशिकांत जी के साथ क्या करेगा अब ये तो अभी सीधा थाने जाएगा यहाँ से। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, पर ये क्या बदतमीजी है? दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? सर मुझे बस 5 मिनट दे दो आपके पास। देखो लड़के, जिस तरह से तुम बिना इजाजत इस कैबिन में आए हो ना, 5 मिनट तो क्या, 5 सेकंड भी नहीं मिल सकते तुम्हें। अभी कॉल करके गार्ड को बुला। अरे 5 मिनट दे दो, उसके बाद जिसको आपने बुलाना बुला लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए जरूरी है। बस कब से बोल रहा हूँ कुछ समझ ही नहीं रहा है। क्योंकि तरीका गलत है तुम्हारा। जी तरीका आपके स्टाफ का गलत है, जो इंसान को कपड़े देख के उनकी हैसियत नापते हैं, इरादे से नहीं। हम गरीब मिडिल क्लास लोग मेहनत करते हैं तब जाके आपके सेठ लोगों की जेबें भरती हैं और तभी आपके बैंक चलते हैं। क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए? सर मैं किसी और का हक लेता नहीं, खुद का हक मैं छोड़ता नहीं। मैं यहाँ अपने पैसे लेने आया हूँ। ओके, तो तुम्हारे पास इस बैंक का सुप्रीम कार्ड होगा ना? फिर से कार्ड? कौन सा? मेरे पास कोई सुप्रीम कार्ड नहीं है, पर मुझे मेरे पैसे चाहिए। देखो बेटा, तुम्हारा गर्म खून है हम समझते हैं, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। इस बैंक में कोई भी सुप्रीम कार्ड के बिना पैसे नहीं निकाल सकता। जानता हूँ, लेकिन एक और तरीका है, फिंगरप्रिंट। ठीक कह रहा हूँ, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते हो, ये फिंगरप्रिंट वाली जो सुविधा है ना, ये सिर्फ टॉप वीआईपी कस्टमर्स के लिए है। ये भी जानता हूँ सर, आपने कहा ना सुप्रीम कार्ड लेके आओ, कार्ड तो मेरे पास नहीं है, पर जिनको आप फिंगरप्रिंट की सुविधा देते हैं उन्हें कार्ड की जरूरत ही नहीं है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो मैं फिंगरप्रिंट ट्राई करना चाहता हूँ। तो तुम ये समझते हो कि तुम्हारी फिंगरप्रिंट से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी? तुम बिल्कुल गलत हो, पर ठीक है, फिंगरप्रिंट ट्राई कर लेते। इस बार लकी फेल हो गया तो सीधे जेल जाएगा, और अगर इस मैनेजर से बच गया तो बाहर वो यास्मीन और उसके गार्ड्स उसका इंतजार कर रहे हैं। लकी क्या कभी अपने हक के पैसे निकाल पाएगा, या सच में वो फोन कॉल, वो मैसेज सब एक मजाक था? अब बारी थी ये जानने की कि लकी के पास कितनी दौलत है, और बारी इस मैनेजर के लकी के कदमों में झुकने की। लेकिन इस सब के बाद भी बाहर एक लड़की लकी की बर्बादी का प्लान बना रही थी। यह है लकी और यह है उसकी कहानी। आप लक्ष्मण लाल अग्रवाल, अकाउंट नंबर 01104, ये अकाउंट तो आप ही का है। एक सेकंड। इस मैनेजर के तो पसीने छूटने लगे, उम्मीद है अब इसे तसल्ली हो गई होगी। वैसे इससे ज्यादा तसल्ली तो लकी को हुई, ना वो मैसेज फर्जी था ना वो कॉल जिसने उसे इस बैंक का रास्ता दिखाया। अब शायद इन बैंक वालों को यकीन आएगा कि वो कोई बैंक लूटने नहीं, सिर्फ अपने हक का पैसा लेने आया है। अपना हक तो सबको मिलना चाहिए, और इस वक्त लकी का हक ये भी था कि ये बैंक मैनेजर
उससे माफी मांगे। मैं आपसे जितनी भी माफी मांगूं उतनी कम है सर। ये माफी आप मुझसे मत मांगिए शशिकांत जी, पहले इंसान की कदर करना सीखिए। कोई भी जान पूछ कर तो नहीं गरीब बना रहता ना, उसके हालात उसे मजबूर कर देते हैं। सर बैठे ना। ये बैंक मैनेजर अचानक शेर से बकरी कैसे बन गया? पैसों के आगे इंसान कितना झुक जाता है। वैसे अब तो सबको जानने में दिलचस्पी है कि ऐसा क्या है लकी के खाते में जो ये बैंक मैनेजर अब उसके पैर पड़ने से बस एक कदम दूर है। सर इसे पैसे नहीं कहते सर, आपके पास पूरा खजाना है सर। इतने तो मेरे इस बैंक के टॉप 10 कस्टमर्स के पास मिलाकर भी इतने पैसे नहीं होंगे। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ सर। इस वक्त आपके अकाउंट में 90,80,70,650 रुपए हैं सर। देखिए बताइए या और कुछ भी मैं चेक कर लेता हूँ। सर आपके खाते में 2 किलो सोने के 100 ईंटें दिखाई दे रही हैं और 5 किलो सोने की 20 ईंटें दिखाई दे रही हैं सर। और जो हमारी फ्रांस वाली ब्रांच है ना, वहाँ पर वो मशहूर पेंटर है ना सर पिकासो, उनकी 3 पेंटिंग्स दिखाई दे रही हैं हमें इस वक्त। और मुझे अंदाज़ा नहीं है कि सर उसकी कीमत कितनी होगी, पर 100 करोड़ से ऊपर ही होगी सर। और हाँ, ये 20 हीरे दिख रहे हैं सर 24 कैरेट के। और सर बहुत कुछ है सर, मैं क्या क्या बताऊं आपको। अगर इस वक्त डिंपल लकी के साथ बैंक में होती तो उसकी शक्ल देखने लायक होती। ये कोई बैंक बैलेंस नहीं है, लगता है कि लकी के लिए कोई कुबेर का खजाना खुल गया है। अब तो लकी बस ये सोच रहा था कि इन पैसों से वो दूसरों की मदद कैसे करे और अपने लिए भी वो क्या क्या जरूरत की चीजें ले सकता है। पैसों का घमंड इंसान को कितना भद्दा बना सकता है ये लकी को मालूम था, इसलिए ये वक्त था लकी के संयम रखने का। आप मुझे वो कार्ड बनवा दीजिए ताकि अगली बार ये सब तमाशे ना हो। बिल्कुल सर, बस मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आता हूं। सर मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, आपको ना पानी पूछा ना चाय पूछा अभी तक। आप ऐसा कीजिए, ये गर्मा गर्म समोसे खाइए सर, ये मैंने अभी अभी अपने लिए मंगाए थे। देख भैया लकी, कैसी खातिरदारी हो रही है। वैसे भी भूख तो लकी को लगी थी, वो सोच रहा था कि अमीर लोगों के समोसे भी जरा अलग ही नजर आते हैं। ये टपरी के जैसे स्वादिष्ट तो नहीं होंगे, पर उसकी भूख का इलाज तो कर ही देंगे। तभी लकी की जींस पर सॉस गिर जाता है। शशिकांत सर, ये डॉक्यूमेंट्स। क्या भाई, सर के टेबल पे क्या कर रहे हो तुम? जी वो मैं। क्या जी वो? अच्छा साफ सफाई वाले हो, यूनिफॉर्म का है तुम्हारा क्या? अच्छा खाना चुरा के खा रहे हो तुम? तुमने क्या क्या और चुराया सर के टेबल से बताओ तो। देखिए तमीज से बात कीजिए थोड़ा। मैं तुम मुझे तमीज सिखाओगे? तुम 2 मिनट रुको, मैं गार्ड को बुला कर लाता हूँ। क्या हुआ, किसको बुला रहे हैं? सर ये लड़का आपके टेबल से चोरी कर रहा था। व्हाट नॉनसेंस। सॉरी सर, तुम जरा इधर आओ साइड में। सर अकल की कुछ कमी है क्या तुम्हारे में? क्या तमाशा बना रखा है यहाँ पर तुमने, गधे हो तुम। अरे तुम्हें जरा भी पता है कि कौन है वो लड़का? सर लेकिन वो, अरे ये लड़का आज की तारीख में हमारी पूरी बैंक खरीद सकता है। चलो अच्छा हुआ कि ये मैनेजर आ गया, वरना फिर वही लकी को अपनी सफाई देनी पड़ती। लकी को लगता था कि जिंदगी में आप थोड़े भी आगे बढ़ो तो आपको पीछे खींचने वाले लोग बहुत रहते हैं, लेकिन वो अब रुकने वाला नहीं था। अगर इस बैंक मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय को जवाब नहीं दिया तो वो देने वाला था, लेकिन बैंक मैनेजर के चेहरे पे गुस्सा देख लगता नहीं कि इसकी कोई जरूरत पड़ेगी। निकलो यहां से, जाओ अपने कैबिन में। सॉरी बोल देता हूं सर। आउट।
सर आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली मेरी गैर मौजूदगी में कोई यहाँ पे आता नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था सर। मेरा कार्ड? कार्ड ही तो लेने गया था सर, लीजिए कार्ड लाया हूँ आपका। ये आपका कार्ड सर, और सर ये एक छोटा सा गिफ्ट बैंक की तरफ से आपके लिए, और सर ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है सर, अगली बार से आपको बिल्कुल भी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगा आपके घर सर। ये है पैसे का पावर, वो बैंक मैनेजर जो लकी को अपने केबिन से बाहर फेंकने वाला था, जो उसकी कंप्लेंट पुलिस में करने वाला था, आज वही उसे पर्सनल सर्विसेज देने की बात कर रहा था। लकी के बैलेंस को देखते ही अपने एम्प्लॉय को भी इसने डांट लगा दी। अरे बस कीजिए मैनेजर साहब, आपका बस चले तो कहीं आप लकी का पुतला अपने बैंक में लगवा देंगे। इस वक्त लकी को ऐसा लग रहा था मानो सारी दुनिया उसके कदमों के नीचे हो, ये जैसे कोई एक ख्वाब हो। ऊपर वाला जब हद से ज्यादा खुशी देता है तो कोई ना कोई तो उसे छीनने आ ही जाता है, और लकी की खुशियां छीनने वाली थी सामने खड़ी वो लड़की, जो एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा करेगी। ब्रांच मैनेजर के केबिन में घुस के क्या तुम मेरी नौकरी लेना चाहते? अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा मैडम, जब से आऊं तब से बिना बात के पीछे पड़े हो आप, कोई मिला नहीं क्या आपको सुबह से? हाँ एक तो गुंडों जैसी बर्ताव थी तेरी, अब तेरी भाषा भी गुंडों जैसी हो गई है। रुक जा तू, बता क्या करके आया अंदर तू? मैंने पहले कहा ना मैं अपने पैसे लेने आया था। अच्छा जी, हम भी तो देखे। सिक्योरिटी सिक्योरिटी, क्या कर रहे हो आप? जी मैडम। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तलाशी लो इसकी। ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते आप किसी के साथ। ये लड़की लकी के साथ क्या करने वाली है, और वो मैनेजर कहां चला गया? लकी सोच रहा था कि ये सिर्फ धमकी ही देगी, पर ये गुस्से में भरी पड़ी है। लेकिन जल्द ही ऐसा पल भी आएगा जब ये लड़की अपने घमंड की आग में ही जल जाएगी। अब तुम मुझे ज्ञान दोगे? खुद जो जबरदस्ती घुसा है तो उसका क्या? अंदर के कपड़े भी चेक करना, देखो क्या छुपा रही है। मैडम ये मिला इसकी जेब से। मुझे तो इसमें पहले से ही शक था, इसकी शक्ल ही चोरों जैसी है। और इसकी हिम्मत तो देखो, मैनेजर सर को दरार धमका कर उसने कार्ड तो बनवा लिया और साथ ही साथ सोने का सिक्का भी चुरा लिया। मैनेजर के दिए हुए सोने के सिक्के ने लकी को फंसा दिया, अब लगाएगी ये लकी पे इल्जाम पर इल्जाम। रुक जा तू। मैडम ये इसके पैंट में क्या क्या लाल सा लगा है, क्या ये? ये तो खून लग रहा है। खून? जी इसके कहीं इसने मैनेजर का खून तो नहीं कर दिया? जी मैंने इसके हाथ और मुंह दोनों बांध दिए, आपको तो इसे यहीं कूट दूं। पागल हो गए तुम लोग, मर्डर किया इसने, इस जैसा चालाक आदमी कैसे ही भाग सकता है? तुम एक काम करो, अपनी गन टान के खड़े हो जाओ इस पे, और अगर इसने कोई हरकत की उड़ा दो इसको, मैं पुलिस को बुला के लाती हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं न्यू सिटी बैंक की मैनेजर बोल रही हूँ। हाँ मैम बोलिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैम शांति से बताइए क्या हुआ है? हमारे बैंक में एक लड़का घुसाया है और मुझे लग रहा है उसने हमारे ब्रांच मैनेजर का खून कर दिया है। क्या इस वक्त आप सुरक्षित हैं? हाँ मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने उसे गन पॉइंट पर बिठा के रखा है और हमने उसके हाथ भी बांध दिए हैं। ठीक है मैम, आप घबराइए मत, आपके बैंक के करीब ही हमारी एक यूनिट है जो मैंने डिस्पैच कर दिया है, वो अभी 2 मिनट में आपके पास पहुंच जाएंगे, तब तक आप चाहें तो हम आपके साथ कॉल पर बने रह सकते हैं। नहीं बस अपने सिक्योरिटी यूनिट को जल्दी भेज दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। एक काम करती हूँ, तब तक मैं इसका वीडियो बना लेती हूँ ताकि मैं लोगों को दिखा सकूँ कैसे खूनी को पकड़ा मैंने, और उसी बहाने शायद प्रमोशन भी मिल जाए। अब तो पुलिस के डंडों से तेरा इलाज होगा, इन सीसीटीवी में तेरी सारी हरकतें कैप्चर हो गई है, अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता बेटे, जेल में करना अपनी सारी होशियारी, तुझे फांसी होगी फांसी। ये लड़की जिसने लकी पर बंदूक तानने का ऑर्डर दे दिया है, अगर इसे लकी के बैंक बैलेंस के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? जब खुद ब्रांच मैनेजर बेचारे लकी की ये हालत देखेगा
तो वो इन लोगों का क्या हाल करेगा। लेकिन अगर पुलिस के सामने इस लड़की ने लकी पर कुछ और झूठे इल्जाम लगा दिए तो पुलिस लकी का यकीन करेगी या इस लड़की का? अबे लकी भाग कहाँ रहा है? ओलंपिक में जाएगा क्या? भाई कमलनाथ सर की क्लास है, ऑलरेडी लेट। यार आज तो लगता है सर से ऊपर वाला डांट नहीं मार ही खिलवाएगा। मैं अंदर आ जाऊं कमलनाथ सर? अबे परमिशन किससे मांग रहा है? दीवारों से। अबे परमिशन तो इसे पैदा होने से पहले मांगनी चाहिए। सर चलेंगे? अबे लेट है सर, सरप्राइज टेस्ट लेने वाले हैं, बोल रहे थे तैयारी करके रखना। तू तो साले किताबी कीड़ा है, सारा रट्टा मार के आया होगा। अबे किताबी कीड़ा नहीं, सिर्फ कीड़ा है। हाँ हाँ इसकी पैंट तो देखो कीचड़ लगी हुई है उसपे। अरे भाई थोड़े ढंग के कपड़े पहन के आ जाए कर। पता नहीं है इसे कि हमारे साथ लड़कियां भी पढ़ती हैं। बे ओए पैजामे में रहे अपने, नाड़ा खींच दूंगा नहीं तो। छोड़ यार प्रीतम, छोड़ दे प्रीतम, हम पे रहम कर। भाई तुझे बड़ी परवाह है कि लकी ने क्या पहना है, लकी का क्या स्टाइल है? क्यों बे, तेरी गर्लफ्रेंड लकी को डेट करने वाली है क्या? अबे मेरी तो नहीं, पर इसकी खुद की गर्लफ्रेंड किसी और को डेट कर रही है। बे लकी है क्या तमाशा है यार। छोड़ भाई तमाशा है, तू भी देख। ये डिंपल और राहुल अपने रिलेशनशिप को इतनी जल्दी सबके सामने ले आएंगे, लकी ने सोचा नहीं था। खैर डिंपल तो ये भी नहीं जानती थी कि एक बाइक को लेकर जो उसने लकी से ब्रेकअप किया है, आज की तारीख में वो लकी के लिए चूर्ण खरीदने से ज्यादा कुछ नहीं है। और उसके सामने डिंपल का दिखावा तो अभी एक और रूप लेने वाला था। हाथ पकड़ने और आंख मिलाने के अलावा अभी इन दोनों का सबके सामने एक दूसरे को किस करना बाकी था। राहुल कुछ जलने की भू नहीं आ रही? हाँ शायद किसी का दिल जल रहा है। काश उसी तरह ना वो भी जल के ना इस दुनिया से गायब हो जाए। डिंपल क्या कर रही हो तुम? रहने दे यार, क्यों मुंह लग रहा है? भाई मुंह तो छोड़, अभी हाथ पैर सब लगाऊंगा मैं। राहुल बेबी बोल लेने दो ना बेचारे को, वैसे भी पहली बार देखा है किसी गरीब के नौकर को उसके लिए लड़ते हुए। डिंपल तुम ये सही नहीं कर रही हो, जानती है उसके बारे में? तुमसे पहले 5 लड़कियां फंसा चुका है, छठी हो तुम। थैंक यू प्रीतम जी मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। सही कहा, छठी हूँ पर आखिरी हूँ, क्यों जानू? हाँ जान, तुम कभी गलत हो ही नहीं सकती। जी करता तुम्हें अभी किस करूँ। तू किस बात की दे रही हूँ, वैसे भी मैं तुम्हारी ही हूँ। सच में? साले तेरा खून नहीं खोलता ये देख के, क्या कर रही है वो? रहने दे भाई, अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी चॉइसेस। चलो लकी तुम्हें इतनी तो अक्ल है कि राहुल ना तुमसे बेटर चॉइस। बेबी मुझे ना फोन कवर चाहिए नया प्लीज गिफ्ट में। फोन कवर? वो अपनी गर्लफ्रेंड को कौन गिफ्ट करता है? मैं तो तुम्हें अमेरिका से आया हुआ न्यू फोन वो गिफ्ट करना चाहता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? लो मैं झूठ क्यों बोलूंगा, चलो मैं तुम्हें आज ही दिलाता हूँ, बहुत पैसे है मेरे पास। तो चलो हम ना आज ही जाके ना मार्केट से मेरे लिए नया फोन ले लेते प्लीज। और हाँ ये पुराना फोन तुम लकी को दे देना, क्योंकि इसे पुरानी चीजों की आदत है। नहीं नहीं उसके लिए तो ये वैसे भी किसी और का दिया हुआ फोन कवर ही है, तो इसको बस ना ऐसे निकालना है, फिर निशाना साधना है और उसको वापस दे। गजब बेइज्जती भाई। देख लकी तू इसे बेच लियो और तेरा 2 दिन का किराया निकल जाएगा। बाकी सब तो ठीक है राहुल, पर थोड़ी देर पहले अभी क्या कहा था तूने? क्या था? हाँ मुझे सेकंड हैंड चीजों की आदत है। ये मैं, ये सेकंड हैंड, और ये तू, मेरी सेकंड हैंड गर्लफ्रेंड तेरे पास है। सेकंड हैंड चीजें कम इस्तेमाल किया कर, तू भी ना। लकी तू ना अपने हद में रहे। तुम तब से क्या कर रही हो डिंपल, क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो? तुझे ना तेरी हैसियत और औकात दिखा रही। इसे देख, इसे बोलते हैं बॉयफ्रेंड। अच्छा हुआ मुझे चाट की टपरी और चाय के ठेलों से आजादी मिली। वैसे तूने ना मुझे ना एक जिंदगी की सीख सिखाई,
जिन बंदों के पास पैसे नहीं होते ना उन्होंने बंदियां नहीं पटानी चाहिए। और पता है ना पैसों के पीछे लड़कों के साथ घूमने वाली लड़कियों को क्या कहते हैं? लकी आवाज नीचे रख राहुल, अपनी उंगली भी। और लकी अगर तूने डिंपल के बारे में एक शब्द भी और बोला ना तो तुझे यही गाड़ दूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ना ही मैं खराब चीजों के बारे में बात करता हूँ, ना ही उनकी तरफ देखता हूँ और ना ही उनके मुंह लगता हूँ। राहुल बेबी रहने दो ना, वैसे भी किससे उलझ रहे, वैसे भी ये बंदा ना हमारे स्टैंडर्ड का भी नहीं। सही कहा बेबी, हम अपना दिन क्यों खराब करें। नहीं राहुल बेबी या बाबू नहीं, अब से ना मुझे अपनी वाइफ ही बोलो। क्या सच्ची? हाँ, वैसे भी आज ना तो कल तुम्हारी शादी होने वाली है तो अभी से आदत डाल लेते हैं। तो अब से तुम ना मुझे सिर्फ वाइफ ही बुलाओगे और मैं तुम्हें हस्बैंड, चलेगा ना तुम्हें? ओके बेबी, आई मीन वाइफ ही। अबे जाओ ना भाई, साथ फेरे ही ले लो तुम लोग, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। देखा अभी से, अभी से ना लोग हमसे जलने लगे। जलेगी तो अब डिंपल। थोड़े ही देर में यहाँ ऐसा तूफान आने वाला था जो हवा में उड़ रही डिंपल को जमीन पर पटकने वाला था। लो आ गया वो तूफान, लकी की दोस्त साक्षी। कौन चल रहा है किससे? साक्षी अच्छा हुआ तुम आ गई, इनसे मिलो, डिंपल के नए बॉयफ्रेंड। डिंपल मिलाओगी नहीं अपने हबी से? ये किस मुंह से बात करेगी लकी? डिंपल तूने हद पार कर दी है यार, तुझ जैसी लड़कियों की वजह से ना लड़के हमें चालू बुलाते हैं। उनकी तो सोच ही गलत है, लेकिन तू जो कर रही है ना वो भी पूरी तरह से गलत है। ए साक्षी तू ना मुझे सही गलत का ज्ञान मत दे। हाँ साक्षी तू तो। ओए राहुल तेरी तमीज कहाँ गई भाई, दो लड़कियां बात कर रही हैं और बीच में कूद रहा है, अबे लड़की है क्या? तो तेरी डिंपल इतनी कमजोर है कि साक्षी के सच नहीं झेल पाएगी। भाई लड़कियों का मैटर है, साइड में रह बेटर है। लकी जैसे लड़के को छोड़कर तू इस कॉलेज के एक नंबर के अय्याश लफंगे रईस लड़के के साथ पता नहीं क्या कर रही है। चुल्लू भर पानी ले और उसमें डूब मत। तो मेरी दोस्त हुआ करती थी ना, अब तुझे क्या हुआ? और अपनी ना जुबान पे तो लगाम दे। उस टाइम की बात अलग थी डिंपल, तब तू हमारी तरह थी सिंपल, या सिंपल बनने का नाटक करती थी। सांप जैसे अपने किचोले निकालता है ना वैसे तेरा मुखौटा निकल चुका है। अच्छा कौन सा मुखौटा गुजारा मुझे भी बताना। बात छेड़ ही दी है तो तू अब सुन। तू कितने जल्दी भूल गई कि लकी तेरे साथ तब खड़ा था जब तुझे पूछने वाला आसपास कोई नहीं था। जब जब तू बीमार हुई है ना और अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, तब लकी तेरे लिए खाना बनाता था, तेरे लिए दवाई लाता था, यहां तक कि उसने तेरे कपड़े तक धोए हैं। अपना असाइनमेंट करने की जगह वो पहले तेरा असाइनमेंट करवाता था। और जो तू थोड़े बहुत मार्क्स पा रही है ना वो भी बस उसी की बदौलत है। और यही नहीं, तुझे याद है जब हम हिमाचल गए थे और तेरे पैर में वो छोटी सी मोच आ गई थी, तब लकी अपना ऑफिस छोड़कर भागा भागा आया था उसी रात हमारे पास। क्या क्या गिनवाऊं मैं तुझे? ओ हेलो, तो उसने ना कोई मेरे पे एहसान नहीं किया, बॉयफ्रेंड का काम होता है एक चीज करना। ओ अच्छा, और गर्लफ्रेंड्स का क्या काम होता है? धोखा देना, अपने नए आशिक के साथ मिलकर पुराने वाले को जलाना, ये काम होता है? वैसे सही कह रही है तू, वो ना तेरे पे एहसान नहीं कर रहा था, वो तुझसे प्यार कर रहा था। और एक बात बता दूं तुझे, तू कुछ खास नहीं है डिंपल, लकी ने तुझे खास बनाया हुआ था। अरे हम सब बैठ के जलते थे तुझसे ये सोच के कि तेरा बंदा तेरे लिए कितना कुछ करता है, पर तेरी किस्मत यार, तेरे नसीब में तो ये राहुल ही लिखा था। सुनना, ये ना मेरा ज्यादा ख्याल रखता है लकी से। ख्याल रखता है? नहीं नहीं नहीं, राहुल तुझ पे लकी से ज्यादा पैसे उड़ाता है, वो पैसे वाला प्यार है। लकी जो करता था ना वो दिल से करता था। और ये लकी, ये अपनी छोटी सी सैलरी से ना तुझे डेली गोलगप्पे खिलाने के लिए पैसे निकालता था। तुझे नहीं पता लेकिन मुझे पता है, ये आज भी अपने पैसे जोड़ रहा है, रोज दाल रोटी खाता है ताकि वो तुझे पाई पे घुमा पाए। और तू ऐसे इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है? सुनना, अगर उसके पास पैसे नहीं है ना तो वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरे भी खुद के कुछ खर्चे हैं, कुछ शौक है, मैं क्यों लाइफ में एडजस्ट करूं? एडजस्टमेंट नहीं, उसे समर्पण कहते हैं। और तू अपना खर्चा खुद क्यों नहीं उठाती है? बॉयफ्रेंड क्यों हुई वो अपना झला रही है? देख कैसे फोन आते, बदतमीजी से उठ के चला गया। जो फोन इस वक्त लकी को आ रहा था वो उठाना उसके लिए बहुत जरूरी था। अगर ये फोन पैसों को लेकर हुआ तो
तो वो नजरअंदाज तो नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर ये लड़कियां ऐसे लड़ रही थी। खैर, लकी ने फैसला किया कि पहले ये फोन उठाया जाए, क्या पता ये किसका फोन हो। लकी को ये किसका फोन आया? भाई साहब, अबे घर में तो लकी देख क्या बवाल मच गया इधर। क्या हो गया प्रीतम, जॉब लग गई क्या तेरी? अबे जॉब नहीं बे, छोकरी छोकरी, लड़की का चक्कर, वो भी अमित की। दिखा दिखा यार, ये अमित भी ना हद करता है। अपनी रिलेशनशिप का डंक अपनी बंदी के साथ फोटो डाल के क्यों कर रहा है? तुझे क्यों जलन हो रही है साले? अच्छी बात है ना, हम में से किसी को तो ढंग की लड़की मिली, हमें उसके लिए खुश होना चाहिए। भाई खुश है, हम बहुत खुश है, लेकिन तुझे नहीं लगता कि ये उसने थोड़ी जलाने वाली हरकत कर दी है? यार मैं तो कहता हूँ कि एक रूल बनाओ, जैसे रिलेशनशिप में आने पर सब लोग सोशल मीडिया पर बेबी, जानू, सोना जैसे पोस्ट करते हैं, वैसे मैं लकी, मेरा डिंपल से ब्रेकअप हो चुका है। मुझे क्यों बीच में ला रहा है, समझा ले इसको। किस बला का नाम ले लिया यार तूने। पर भाई लकी, एक रूल तो बनना चाहिए कि जो दोस्त सिंगल से डबल होगा वो ट्रीट जरूर देगा। भाइयों अमित से पार्टी बनती है। डाल डाल साले को डाल मैसेज। सबकी सहमति से ये फैसला लिया गया है कि अमित हमें आज ही अपनी बंदी से मिलवाएगा और साथ ही ट्रीट भी देगा। गया आया आया मैसेज आ भी गया। पक्का 12 बजे सब मेरे रूम पर आ जाओ। बस शॉट। किसी ने सच ही कहा है कि दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं। एक बार फिर दोस्तों ने लकी का दिल जीत लिया था। उन सब ने प्लान बनाया कि वो दोपहर में साथ ही चलेंगे और जरूर देखेंगे कि उनके एक और साथी यानी अमित पर आखिर किस बेवकूफ का दिल आया है। वैसे उनमें से किसी को भी ये आइडिया नहीं था कि अमित की लाइफ में आने वाली लड़की उनकी दोस्ती का कैसा इम्तिहान लेगी। देख तो जरा अमित कैसे शर्मा रहे उस लड़की के सामने। बताओ ये अपने कॉलेज का स्पोर्ट्स स्टार है, मुंह ठंडा एकदम भर रहा, लड़की के सामने कैसा फूल जैसा कोमल बन गया। ना वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, चल चलो। अरे आओ आओ बैठो। आ गए तुम लोग, रोशनी इनसे मिलो। ये प्रीतम, गर्वित और हम सबका फेवरेट लकी। लकी के बारे में तो बहुत कुछ सुना है अमित के मुंह से। श्योर मेरी तो सारी बुराइयां करी थी अमित ने। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुमने बोला था कि तुम्हारे दोस्तों को ट्रीट देनी है, तो मैंने भी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लिया और वो सब पहुंचती होंगी रेस्टोरेंट में। यार इनके साथ डेट सेट थोड़ी करने आए, ये अपना खाएंगे वो अपना खाएंगे, सिंपल। हर चीज सिंपल नहीं होती है अमित, उन लोगों ने तुम्हारा फोटो देखा हुआ है और सारी के सारे सिंगल हैं। उन्हें लगता है जैसे तुम हो वैसे तुम्हारे दोस्त होंगे, बाकी के फिर भी काम चला हुए हैं। पर वो लकी, देखने में भले वो ठीक ठाक हो पर कपड़े कैसे पहने यार उसने। तो क्या अब डिनर प्लान कैंसिल करते हैं? जी नहीं, आपके लकी के गंदे कपड़ों की चर्चा पूरे शहर में है, इसीलिए मैं पूरी तलाक निकली। इसे लगता है कि लकी पुराने और नए कपड़ों में फर्क नहीं जानता। शायद ये नहीं जानती कि जिस कंपनी की ये शर्ट लेकर आई है आज लकी उसकी पूरी फैक्ट्री खरीद सकता है। खैर दोस्ती का मामला है तो लकी ने सोचा थोड़ा सह लेंगे।
सब खराब तो अब होने वाला था। आखिर रोशनी को जो फोन आया था उससे लकी और रोशनी दोनों की ही दुनिया पूरी तरह से हिलने वाली थी। वो कौन था जो अब लकी के लिए मुसीबत बनेगा? लकी क्या रोशनी